क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटे शहर का व्यक्ति 3 साल में 24 बिजनेस शुरू कर सकता है। ये कहानी है दक्षिणा मूर्ति राज की, एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने सपनों की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था और आज हम उनकी प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। दक्षिणा मूर्ति ने अपने इंजीनियरिंग के दिनों में ही तय कर लिया था कि उन्हें सिर्फ एक बॉस के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम करना है। कॉलेज के दौरान उन्होंने अपना पहला बिजनेस काई नाटू शुरू किया। दोस्तों के लिए पेंटिंग करते करते उन्होंने कॉलेज इवेंट के लिए पोस्टर और बैनर बनाना शुरू किया और इससे उन्हें मिले 3,000 रुपए, जो उनके लिए एक बड़ी प्रेरणा बनी। कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने अपने बीमार पिता की मदद करने के लिए तिरुवन्नामलाई लौटना पड़ा। वहां उन्हें कई छोटे बिजनेस शुरू किए पर किसी में भी उन्हें खुशी नहीं मिली। उनका विश्वास है कि एक बिजनेस तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो खुशी और पैसा दोनों दे। हर वेंचर के साथ उन्हें एक नई सीख मिली। फिर आया उनकी कहानी का असली टर्निंग पॉइंट, जब उन्होंने 2017 में सनल शुरू किया, इको फ्रेंडली स्टार्टअप जो 99.9% प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट बनाता है। आज सनल की वेबसाइट पर लोग क्लोथ बैग, सॉप, पेपर बैग, किचन यूटेंसिल खरीद सकते हैं। दक्षिणा मूर्ति ने देखा कि कई प्रोडक्ट को ठीक से दिखाया नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई। अब उनके 157 सनल प्रोडक्ट सिर्फ 5 स्क्वायर फीट में दिखाए जा सकते हैं। इससे उनका प्रोडक्ट हर जगह सुपरमार्केट से लेकर होटल और मॉल तक आसानी से बेचा जा रहा है। सनल शुरू करने से पहले उन्होंने सीमेंट, विंटेज आइटम और खेती जैसे कई सेक्टर में प्रयोग किया। उन्हें समझा कि खेती एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, सिर्फ बिजनेस नहीं। आज वो नए एंटरप्रेन्योर को एडवाइस करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट और मार्केट की अच्छी तरह से रिसर्च करे। गवर्नमेंट भी नए वेंचर को सपोर्ट कर रही है और उनका कहना है कि जो एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन करता है वो जरूर सक्सेसफुल हो सकता है। तो दोस्तों, दक्षिणा मूर्ति की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर फेलियर एक लेसन होता है और हार्ड वर्क से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्या आप तैयार है अपने सपनों को सच करने के लिए? ये थी दक्षिणा मूर्ति की कहानी। मैं हूँ खालिद अंसारी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।